Is it a good or a bad thing? Is it good or a bad thing? Bad thing. Bad. So you want to be remembered as someone who's good or a bad? How would you want to be remembered? Good or bad? I'm bad. Ma'am, bad. You want to be remembered as bad? Ma'am, no good. Good, right? So follow the certain rules while we are having online class. You know, I have a daughter who is very small. She studies in class 3. But the moment she joins in, the first thing she makes sure is turn on the camera. अब भी तक उसने एक भी क्लासेस ऐसा नहीं गया है जिसमें उसने अपना कैमरा ऑफ किया है. And that's one of the qualities that I appreciate. You know, so learn good things, children. All right. So, good afternoon, everyone. How are you all? I am amazing. Good afternoon. I'm fantastic. So some are amazing, some are fantastic. और भी मजा आ रहा होगा क्योंकि एग्जाम खत्म. सो हाउ मेनी पीपल आर फीलिंग गुड मॉर्निंग मैम. वाओ, एग्जाम खत्म हो गए. हाउ मेनी पीपल आर हैप्पी? मैम मैम एवरीवन राइट, वी ऑल आर हैप्पी. एग्जाम्स खत्म होते हैं ना तो इतनी ज्यादा खुशी मिलती है ना, क्या बताऊं. यस और नो? यस मैम. आज से तो वैसे भी नवरात्रि शुरू. यस और नो? यस मैम. और मजा फिर आने वाले. ऑटम ब्रेक भी हो जाएगा मैम. हाँ, और यू नो व्हाट, दिस इज द फर्स्ट स्कूल जहाँ पे मैंने सुना, मुझे पता चला कल कि तुम लोगों का ऑटम ब्रेक भी होता है दशहरे के. हाँ, हम सर्कुलर भी आया था. एग्जैक्टली, और कोई स्कूल में नहीं होता. मैं जिस स्कूल में पढ़ाती हूँ ना, मुझे हमेशा दशहरा के दिन एक दिन का छुट्टी होता है. अदरवाइज ऑटम ब्रेक तो भूल जा, ब्रेक ही नहीं होता, राइट? अब ये बात बताओ, आपके एग्जाम कैसे गए? हाउ वाज योर एग्जाम्स? मैम एक्सीलेंट. आई एम वेरी गुड. I'm very good and excellent. Oh, जो very good, excellent बोल रहे तो उन लोगों को तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है और पीटीएम में भी डरना नहीं है. पर जिसका खराब गया उनका एक ही टेंशन होगा, अरे पीटीएम में कुछ बुरा ना बोल दे मैम मुझे. यस और नो? यस मैम. राइट, ओके. अब एग्जाम्स भी खत्म, टेंशन भी खत्म. सो let's go ahead and start today's topic of the workshop. All right. So before we start with the topic of the workshop, क्या? कुनाल, कौन सा पेपर सबसे अच्छा गया आपका? मैम ऑल, तुम सारे अच्छे गए. सारे अच्छे गए तो सारे में 100 मिलेगा मतलब ना. मैम हमारा मॉरल वैल्यू पर भी बहुत अच्छा गया. Your voice is breaking. मैम बुढ़िया. Is my voice breaking, everyone? No, ma'am. Your voice is clear and loud. So Kunal के सिस्टम में कोई प्रॉब्लम होगा. Yeah. So वंशिका, कौन सा पेपर अच्छा गया आपका सबसे अच्छा? मैम गैस. Which paper went the best? मैम क्या कह रहे मैम? Which paper in your exam you did the best, you think? Ma'am, all paper. All paper. और उसमें से all paper में से सबसे best एक होता है, वो कौन सा गया? Ma'am, math and ma'am math ज़्यादा अच्छा गया. Maths. तो मैं आपसे math सीखने आ जाऊँगी क्योंकि मेरा math बहुत खराब है. ठीक है. All right. So, children, आप लोगों को क्या पता है? What was the last topic we did? Habit. Habit. We did habits of great achievers. So, जिंदगी में habits अच्छे होना बहुत जरूरी है, because our habits are what makes us good or bad. Our habits are what makes us successful or unsuccessful in life. So we went ahead and discussed about habits. We discussed about a story. We discussed about the morning habit. Morning habit or story वगैरह कर लिया था हमने. We'll talk about some of the afternoon habits. So what are some of the afternoon habits that we need to follow? Can someone tell me? Can I, ma'am? Yeah, you can. In afternoon, I can take a nap for 2 minutes. Okay, Yashaswi says that it is important that in the afternoon we take a nap. How many people think that is correct? किसी को नहीं लगता यशस्वी की नैप लेना जरूरी है आफ्टरनून में थोड़ा सा सोना. अब यशस्वी हमें एक्सप्लेन करेगी क्यों नैप लेना जरूरी है आफ्टरनून में. बताओ मैम. क्योंकि मैम हमारी फर्स्ट की ऑनलाइन क्लास होती है, देन मैम हमें थोड़ा सा रेस्ट इसलिए चाहिए होता है कि हमें अपनी सेल्फ स्टडी भी करनी होती है. उसके बाद मैम हमें प्लेइंग और एक्स्ट्रा थिंग्स हमें जो एक्स्ट्रा हम करते हैं वो भी हमें करना होता है. हम इसलिए नैप लेते हैं. मैम इवनिंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है. सारे का कैमरा ऑफ हो रहा है या नैतिक. मैम इवनिंग में हमारा माइंड फ्रेश रहता है अगर हम रेस्ट लें तो. मैम थैंक यू सो मच. एज नैतिक राइटली सेड, अगर हम अपना मोबाइल लेके ना दिन भर खेलते रहते हैं मोबाइल के साथ, क्या होता है मोबाइल मैम हमारी आईज वीक होने खराब हो जाती है. अरे मोबाइल की बात कर रही हूँ, तुम्हारी बात नहीं कर रही हूँ. मोबाइल का क्या होता है मैम? बैटरी लो हो जाती है. थैंक यू प्राची. मैम वायरस हो जाता है. बैटरी लो हो जाती है और फिर से यूज करने के लिए मोबाइल को हम चार्जिंग पे डालते हैं, राइट? वैसे ही हमारी बॉडी सुबह से काम करती है तो थक जाता है. तो थोड़ा सा अगर हम पावर नैप ले ले, पावर नैप ये नहीं 2 घंटे सो जाओ, ये नहीं 3 घंटे सो जाओ, फिर रात को नींद ही नहीं आएगी, राइट? बट अगर 30 मिनट्स अलार्म लेके लगा के सो जाओ एंड यू गेट अप आफ्टर 30 मिनट्स, यू रिचार्ज योरसेल्फ. जैसे बैटरी चार्ज होता है हमारी बॉडीज भी वैसे ही चार्ज होता है और हम हमारी बॉडीज में फिर से स्टैमिना और एनर्जी आ जाती है. वेरी गुड. सो वी नीड टू टेक अ नैप इन द आफ्टरनून. व्हाट एल्स? यस देवांश. देवांश, योर हैंड इज रेज्ड. इफ यू डोंट वांट टू आंसर, लोवर योर हैंड बच्चा. मैम जब हम स्कूल से आते हैं तो मैम हमें बैग सही प्लेस पे रखना चाहिए, राइट? द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग व्हेन वी कम फ्रॉम द स्कूल, राइट? व्हाट डू वी डू? जैसे आ गए घर पे, आ गए मम्मी बोल के एक जूता उधर फेंक दिया, दूसरा जूता उधर फेंक दिया, टाई उधर फेंक दिया, शर्ट उधर फेंक दिया और सारा सामान इधर उधर बिखेर दिया. और मम्मी आके बोलती है, अरे बेटा अभी तो घर साफ करा था, फिर से मैला कर दिया आपने, राइट? सो इट इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट दैट यू ऊपर आते मैम, उसके बाद आराम से उतारते हैं मैम. मैम साफ से नहीं क्या बेटा? मैम अब तो स्कूल नहीं जाते तो मैम साफ से नहीं, मैम आराम से उतारते. हाँ, बट ऑल्सो तुम्हारे किताब इधर बिखरे होते उधर बिखरे होते, ये किस कौन करेगा? ये भी तो आप लोगों को ही करना पड़ेगा. सो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट. स्कूल नहीं जाते ना मैम, तब भी मैम हम साफ साफ करते थे. स्कूल नहीं जाते हो अब ये तो पता है, पर घर पे भी तो चीजें बिखेर देते हो इधर उधर. बुक्स इधर होते हैं, पेंसिल कहीं होता है, पेन कहीं होता है. कौन कौन से बच्चे ऐसे करते हैं बिना झूठ बोले बताना? और मम्मी कभी कभी नाराज हो जाती है. हम तो कभी कभी करते हैं मैम, कभी जो भी खेलते हैं मैम हम सामान. एग्जैक्टली So the next important habit of the afternoon is जो भी class खत्म हो गया, जैसे खत्म हो गया चीजों को अपनी जगह पे रखना बहुत जरूरी है। और आधे बच्चे तो क्लास खत्म गए नहाने और गीला तौलिया लेके बेड पे रख दिया। How many children do that? मैम नो मैम, हम नहाकर जब आते हैं मैम तो मैम अपनी अलमारी में रखते हैं। All right, very good. So second is to keep your things in place. Number third thing. मैं हमें सबको greet करना चाहिए आने के बाद, फिर सुबह सुबह नहीं करते मैम। यस मैम, आफ्टरनून में भी करना चाहिए। ओके, आफ्टरनून में भी ग्रीट करना चाहिए। और क्या करना चाहिए? इम्पोर्टेंट हैबिट्स जिससे तुम सक्सेसफुल बनते हो। मैम जो भी हम स्कूल में स्टडी करके आते हैं उससे हमें रिकैप करना चाहिए। Yes, ma'am. Thank you so much. So whatever you have your revisions to do. हम करते हैं। Okay, Vanshika, you need to raise your hand if you want to speak. Okay, so what you need to do, I'm coming to you, Rakshita. जो हमारे जैसे स्कूल आ गए, whatever teacher has given us, you come back home, you take a shower, you eat your food, and then for certain time revise whatever is being taught. That is very, very important to do in the afternoon so that it retains in your brain. What else? Yeah, Rakshita. मैम एक्चुअली हमारा यही था कि जैसे अगर आप हमारे स्कूल को लेंगे और हम सब स्कूल में जाएंगे तो हमें स्कूल जाने के आफ्टरनून में हमें एक बार शावर लेना है। Right, very very important. What else? Yeah, Vanshika. आफ्टरनून में जब हम लंच करते हैं या फिर ब्रेकफास्ट या डिनर भी करते हैं तो हमें उससे पहले हमेशा हैंड वॉश करनी चाहिए। All right, that is important, but you need to have your. So we are done. We come back home, keep our things in place. Number one, number two, we take a shower. Number three, we go ahead and study or revise. We eat something, we revise, and then what after that? मैम जब भी स्कूल आते हैं मैम उसके बाद हम साथ रिवाइज करते हैं। No, but then your body needs a little bit of playtime also. Don't you go and play outside in the afternoon? Yes, ma'am. I'm mentally tired, ma'am, physically. Exactly. So you need to. Exactly, because you are children, you need to go outside and play also. So very, very important. You need to go outside and play. Right. After that, we need to take the rest. Then we will complete our homework. Ma'am, you are muted. Yeah. So you need to come back from playing, and you need to go ahead and do your homework. So that is basically your afternoon routine, right? What about your evening? In the evening, what should you do? कुछ भी नहीं करोगे इवनिंग में, बस बैठे रहोगे, इवनिंग हो गया बोल के। बच्चों इवनिंग में क्या करते हो तुम? कुछ नहीं करते हैं। मैम आई विल गो टू माय एंड देन एंड कम टू होम एंड ईट फूड एंड टेक सम रेस्ट एंड देन कंप्लीट माय ट्यूशन वर्क। All right, very good. What else? Okay, so he plays with Naitik plays with his cousins in the terrace. What else after that? And we will eat snacks. You will eat your dinner, beta, not snacks. I mean evening. Yeah, so you will eat your snacks, okay? Ne? And we will do our homework. You'll do your homework. What else? फिर मैम अपनी हम टू डू लिस्ट देखेंगे कि हम और क्या करना है. Right, he will very important Naitik, very good. He will check his to-do list कि आज के पूरे दिन का काम हुआ है और या नहीं और जो जो बचा है वो उनको करेंगे. Now tell me, in the evening, कौन कौन से बच्चे अपने बैग्स इवनिंग को पैक करते हैं? हम करते. Very important. And Kritika, why is it important to pack our bags in the evening than in the morning? Ma'am, because हाँ बोलो बेटा. मैम हम सुबह और दोपहर को ट्यूशन जाते हैं और सुबह क्लासेस लेते हैं, तो इसलिए हम फ्री नहीं रह पाते हैं और फिर शाम को हम फ्री रहते हैं, तो फिर हम अपने बैग पैक कर सकते हैं. Right, so the most important thing is packing our bags. Yeah, it is very important to keep your clothes in the hanger in the evening, keep your shoes in place in the evening, keep your bags packed in the evening, so that सुबह को जब हम जाएंगे और कभी कभी लेट उठते हम हड़बड़ी नहीं करते. कितनी बार क्या होता है हम पैक नहीं करते, इवनिंग का टास्क नहीं करते, तो हम सुबह उठ के पूछते मम्मी मेरी बुक तो नहीं मिल रही है, मम्मी मेरी कॉपी नहीं मिल रही है, मम्मी कल रात पे ही रखा था ये पेंसिल बॉक्स, यहाँ पे कहाँ गया, मम्मी आईडी कार्ड तो बता दो कहाँ पे है. Right, so if we accordingly go ahead and do all the evening things at in the evening, I'm sorry मैम इवनिंग की जगह हम ये नाइट में करते हैं. हाँ इवनिंग नाइट, इवनिंग और नाइट को कंबाइन करते हैं, तो इवनिंग और नाइट्स में वी विल पैक आवर बैग्स, वी विल कीप आवर थिंग्स इन प्लेस, वी विल हैव आवर डिनर, वी विल सिट डाउन विद आवर पेरेंट्स एंड रिलेटिव्स. यस और नो? यस मैम. Yes, ma'am. And then we'll chit-chat with them कि दिन कैसा गया, क्या क्या हुआ, बातें करेंगे to build a better relationship with one another, right? And then पूरे दिन में क्या हुआ ये बताना. Exactly. Very good. To-do list बनाएंगे हम कल के लिए. हाँ कल के लिए to-do list बनाएंगे. आज सारे to-do list हुए या नहीं वो चेक करेंगे, अगर मिस आउट हुआ वो चीज करेंगे. Right? And then one of the most important thing is to sleep on time. Because अगर time पे नहीं सोओगे, then what will happen? You'll not be able to get up on time. A lot of times क्या होता है, आप लोग शादी से वापस आते हो, कभी कभी पेरेंट्स के साथ जाते हो, तो सुबह हम इतने लेजी होके उठते हैं. Why? Because we did not sleep on time. So very, very important habit. In order to get up fresh in the morning and to get up on time, you need to sleep on time. Yes or no? From 10 p.m. Yes, ma'am. All right. Now tell me, what are the benefits if we follow a routine or if we have a good habit? What are the benefits for us? हमारे लिए क्या फायदा है? मैम हमारे लिए फायदा है कि हमारे रिलेटिव्स हमसे अच्छे से बातें करेंगे, तो हमारी हेल्थ अच्छी रहती है, हमारा कैरेक्टर सही रहेगा, हम गुड रहेंगे. Very good. So you will have a good impression. लोग आपको देख के बोलेंगे अरे ये बच्चा तो हमेशा एक रूटीन फॉलो करता है, कितना अच्छा बच्चा है, काश मेरी बच्ची भी ऐसी हो. So what is happening? You are creating a good impression and you are building a good character. Very good. And someone said health, hamara overall health jo hai wo acha rahega. Why will the health become good? Ujjwal, ye Ujjwal ne bola tha hamara health kaise acha rahega. Ma'am agar hum healthy eat karenge aur ma'am hum timely soenge to ma'am. Exactly. तो हमें स्ट्रेस नहीं होता. आजकल दुनिया में बहुत सारे लोग इतना ज्यादा स्ट्रेस लेते हैं, एंड द ओनली रीजन व्हाई पीपल टेक सो मच ऑफ स्ट्रेस इज बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मैनेज time going. But if you manage that time, you will remain happy also, and you have a very good health. Good job, Ujjwal. Next point. अगर हम हमारी हेल्थ अच्छी रह सकती है कि अगर हम शाम को एक्सरसाइज और योगा करें. Right. So, but what are the benefits if we follow habits of great achievers? अगर हम ये सारे habits follow करें, हमारे लिए क्या फायदा है? हमारे लिए क्या फायदा है? हम क्लास में जब किसी को आंसर नहीं आया होगा, जब हमको आता होगा. Okay. तो इससे क्या होता है नैतिक? इससे क्या होगा? हम टीचर के सामने हमारा गुड इंप्रेशन बनता है. टीचर विल प्रेज यू, टीचर विल अप्रिशिएट यू. यस और नो? कितने बच्चे हमेशा जब आंसर देते वो व्हाट डिड द टीचर से? गुड जॉब, कीप इट अप. कितना अच्छा बच्चा पढ़ के आया है घर से. यस और नो? सो you will receive a lot of praise and appreciation. What else? हमें एग्जाम में टेंशन नहीं होती कि हमें अभी ये भी करना है क्योंकि हमने रिवाइज करा होता है. Exactly. पर उससे हमें क्या होगा? We get better results. Yes or no? Yes, ma'am. We get better results. Next point. One last point. Mohammed, please turn your camera on. Yashaswi, turn your camera on. Vanshika, Shubh, Neha, Ujjwal. Yeah, क्या होगा? Last एक good point बता दो. अगर हम हमारे habits अच्छे हो तो हमें क्या फायदा मिलेगा उससे? मैम सब सोचेंगे कि ये देखो कितना अच्छा बच्चा है. So we have to and you become you become what? You become popular. You become popular among your friends. You become popular among in the society. कि ये society की ये बच्ची ना बहुत अच्छी है. So people will know you. You'll become popular, right? Now, what I want you to do is I want you to take out a sheet of paper. You can take out your life skills books only. Nikala? Yes, ma'am. Okay. And what I want you all to do is I'll ask you certain questions. Then you need to tell me what would you do. Okay. First, write 2 of the bad habits you have, और वो 2 bad habits को आप कैसे improve करोगे? First, write 2 bad habits you have, and how will you make those habits good? मैम आप क्या कर रहे हैं? Activity बेटा. लिख लिया. 2 हैबिट्स जो हमारी बुरी है वो लिखना है, जो हमारी बुरी है और हम इसको सही कैसे कर सकते हैं, आपको वो लिखना है. माई 2 बैड हैबिट्स आर नंबर 1, नंबर 2 एंड हाउ कैन आई इम्प्रूव इट, वो लिखना पहले. तो लिख लिया? My voice is not. Yeah, I am not talking. Have you finished writing 2 of your negative qualities? Have you written yes or no? Have you done it, everyone? Answer. Have you done it, children? Yes, no? उज्जवल कर लिया आपके 2 नेगेटिव हैबिट्स और कैसे सुधारोगे वो 2 नेगेटिव हैबिट्स को? यस, नो, मे बी, कुछ तो बोल दीजिए। मैम यस। लिख लिया? हम क्या? 2 बुरे हैबिट्स आपके कौन कौन से? What are the 2 bad habits you have? मैम एक तो लेट सोना। ओके वेरी और दूसरा? एंड मैम बस एक ही है मैम लेट सोते हैं हम। ओके और इसके लिए क्या करोगे? तो इसके लिए नो नॉट राइट ना पला। So what are some of the things we need to do then? क्या करना चाहिए? मैम हमें जल्दी सोने की कोशिश करनी चाहिए ताकि हम सवेरे जल्दी उठ पाए। और आप कितने बजे सोते हो बेटा? मैम 11 o'clock। Oh my God! और उठते कब कब हो? क्लास शुरू होने से 10 मिनट पहले ना? मैम नो। फिर? मैम 7:30 पे। 7:30 पे। Okay. मैम हमारे फादर ना लेट आते हैं तो फादर का इंतजार तो मम्मी करती है। क्यों तुम्हें खाना पड़ोस के देना होता है? खाना रोटी बना के देना होता है पापा को? मैम नो ना मैम हम लूडो भी खेलते हैं ना टाइम पास के लिए रात को। तो लूडो तो रात को खेल सकते हैं ना, 11 बजे थोड़ी रात है, वो तो भूत का आने का टाइम है ना। मैम भूत से कुछ नहीं होते। मैम पापा के साथ लूडो खेलते क्योंकि पापा इलेक्ट्रिसिटी का काम करते इसलिए मैम पापा लेट आते हैं। ओके बट टेल मी वन थिंग उज्जवल, पापा की छुट्टी होती है कभी? मैम नो नहीं होती। और रोज 11 बजे आते हैं आपके पापा? मैम यस मैम कभी कभी तो 2 बज जाते हैं। ओ 2 बजे? सुबह की 2 बजे बोल रहे हो आप? मैम यस। ओह माय गॉड। पर ना उज्जवल एक काम कर सकते हैं, पापा की तो छुट्टी नहीं होती पर हमारी तो छुट्टी होती है ना। मैम यस। तो हम जिस दिन हमारी छुट्टी होती है उस दिन पापा के साथ उठ के खेल भी सकते हैं। पर इतना लेट अगर सोएंगे ना उज्जवल, इट विल नॉट बी गुड फॉर योर हेल्थ ऑल्सो। सो इंश्योर दैट थोड़ा जल्दी सो जाना। और तो अगर पापा नहीं खेले तो मम्मी के साथ खेल लेना या किसी और के साथ खेल लेना। मेरे घर में सिर्फ मैं अकेला हूँ, मैं मम्मी है। तो मम्मी तो है ना? मैं मम्मी अपने काम में लगे रहती है और पापा कभी कभी तो सवेरे 5 बजे ही चले जाते हैं काम पे, 5 या 6 बजे। Okay, but just ensure you sleep on time because it will spoil your health in the long run. ठीक है? हम तो जब हमारे फादर की छुट्टी होती है जब खेलते हैं मैम सैटरडे संडे को। हाँ, that is the best thing to do. मैम हमारे फादर की भी छुट्टी नहीं होती। Okay. और So तुम्हारे most of the पापा work 7 days. So सोचो इतना hard work करते हैं, किसके लिए करते हैं? वह हमारे लिए, हमारे लिए करते हैं। इतना हार्ड वर्क हमारे लिए करते हैं, छुट्टी भी नहीं लेते। और क्या हमें कुछ अच्छा करना चाहिए जिससे वो खुश हो? Yes. Right. So very, very important. Follow the right habits. If you follow the right habits and become responsible, that is one of the best gifts that you can give to your kids. All right? Yes, ma'am. Yeah, now Insha will tell me 2 negative habits of Insha. Ma'am, I do one. Yes, ma'am. Yes, beta. मैम आई गेट एंग्री वेरी क्विकली, मैं बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती हूँ, बहुत छोटी छोटी चीजों पे भी। मैम अगर मेरा कभी घर में फेवरेट खाना नहीं बनता तो मैं खाती ही नहीं खाना, और मैम जिस दिन फेवरेट खाना बनता है बस उसी दिन खाती हूँ। But that's very good. But that's, I'm sorry, that's very bad. और तुम्हें खाने में क्या नहीं पसंद बताना जरा। मैम वेजिटेबल। हाँ, और वेजिटेबल्स नहीं खाओगे। और क्या पसंद है? मैम फ्रूट ओनली। फ्रूट ओनली। फ्रूट इज गुड बट वेजिटेबल्स आर ऑल इम्पोर्टेंट बिकॉज यू नीड अ बैलेंस डाइट। Because if you don't have vegetables, if you don't have a proper balanced diet, क्या होता है? थकान होता है, sleepy feeling होता है, lazy होता है। मम्मी में इतनी energy है, सुबह से रात तक काम करती है। Yes or no, Insha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. पर इंशा जब थोड़ी बूढ़ी हो जाएगी तो क्या बोलेगी? अरे थक गई, नहीं हो पा रहा है। मैम मेरे को सारी वेजिटेबल में से सिर्फ करेले को छोड़ करेला ही पसंद नहीं है बस। या सो लुक योर फ्रेंड, ऑल योर फ्रेंड हैज फूड, दे हैव फ्रूट आल्सो, दे हैव वेजिटेबल्स आल्सो। सो इंशा यू विल स्टार्ट ईटिंग वेजिटेबल्स फ्रॉम टुडे, प्रॉमिस? ओके मैम, प्रॉमिस। ऐसे होता है बेटा, जो चीजें पसंद नहीं होता है ना, धीरे धीरे करके कम कम करके खाना शुरू करो, आदत बन जाएगी। That will also be a habit and you will start liking it. I also never liked karela. Okay, I also never liked karela. So one day what my mother did was she's a very smart lady. So what she did, उसने करेले का कुछ सब्जी बनाया जिससे पता नहीं चला करेला बनाया। तो मैं उससे हमेशा पूछती थी जब भी मैं करेला देती थी, ये क्या है? तो ना she used to tell ना, ये ना बाहर से आया एक वेजिटेबल है, यू नो फॉरेन में खाली मिलता है और यहाँ पे ना इसका रेट बहुत ज्यादा महंगा है, तो ना ये खा ले, बहुत अच्छा भी होता है और थोड़ा बिटर होता है पर अच्छा होता है। अब मैंने सुन लिया फॉरेन से आया हुआ है तो अच्छा ही होगा बोल के धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा खाने लग गई। Or now I started liking that karela. All of a sudden, in PTM, सारे parents मेरे मम्मी के पास आ गए और बोलने लग गए, तू ना फॉरेन से कौन सा सब्जी लेके बच्चे को खिलाती है? मेरे सारे स्कूल के बच्चे ना पूछ रहे थे, हमें भी वो सब्जी लेके खिलाओ। और मेरी मम्मी ने बोल दिया, कुछ नहीं, करेला देती हो, करेला। So very, very important, children. You need to have foods that you don't like also. करेला भी अगर नहीं पसंद ना, थोड़ा थोड़ा खाना शुरू करो। सारी वेजिटेबल्स पसंद है। Very good, सोनाक्षी। So धीरे धीरे करके वो चीज अच्छे लगने लगेगी। Okay, इंशा? Yes, ma'am. और ऐसे गुस्सा नहीं करते, पेरेंट्स हमारे लिए इतना करते हैं और हम गुस्सा करते हैं, क्या अच्छी बात है इंशा? नो मैम। ओके, नाउ प्राची विल टेल मी 2 ऑफ आवर हैबिट्स व्हिच आर बैड इन द रूटीन, इन द मॉर्निंग रूटीन, आफ्टरनून रूटीन, इवनिंग रूटीन में क्या बैड है? मैम आई एम शॉर्ट टेम्पर्ड। नो, शॉर्ट टेम्पर्ड इज अ क्वालिटी बेटा, हैबिट बोल रही हूँ। जैसे मॉर्निंग हैबिट कौन सा फॉलो नहीं करते, इवनिंग हैबिट कौन सा फॉलो नहीं करते, आफ्टरनून हैबिट कौन सा फॉलो नहीं करते? सारे फॉलो करती है हमारी प्राची। I think you just keep 5 minutes. Okay, 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes बोल के टाइम वेस्ट करना या प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, ये बहुत ही बुरी आदत है। और क्यों है? जस्ट इमेजिन हम आज नहीं कल करेंगे, कल नहीं परसों करेंगे, परसों नहीं नरसों करेंगे बोलते रहेंगे, और इस वजह से हमारा जब सिलेबस आता है इतना ज्यादा होता है जो छुआ भी नहीं होता है, कल परसों के चक्कर में, राइट? बट इफ यू स्टार्ट डूइंग लिटिल बिट ऑफ स्टडीज एवरी डे, देन एग्जाम के टाइम पे बस रिविजन जैसे काम होता है। पर अगर काम के टाइम पे नहीं किया, होमवर्क मिस करा है, इनकम्प्लीट काम है, तो क्या करेंगे एग्जाम टाइम पे? ओही सुनना, मैंने तो होमवर्क ही नहीं करा है इस डेट का, तूने करा है क्या? हाँ करा है, प्लीज दे देना मुझे, राइट? मैम अगर एग्जाम के टाइम सिलेबस ज्यादा हो जाता है, 6-7 चैप्टर्स आ गए और हमने वो 6-7 चैप्टर्स नहीं कर रहे हैं, वो हमारे पेंडिंग है, और फिर हम उससे एग्जाम से एक दिन पहले लेके बैठे हैं, तो फिर हम प्रॉब्लम हो जाती है। एग्जैक्टली, क्योंकि वो पाइल अप होता है। अगर 3 दिन नहीं खाओ, और मैंने ना 3 दिन का खाना इतना ज्यादा प्लेट में भर के दे दिया और बोला ला खा ले 3 दिन का खाना, बीमार थी ना इसलिए नहीं बनाया था, ये ले 3 दिन का खाना खा ले, जरा खा पाओगे 3 दिन का खाना एक ही टाइम में? तो पढ़ाई कैसी होगी फिर एक ही टाइम में सारा 3-4 दिन का? तो धीरे धीरे करके कम लेजी होके, कम कल करेंगे करके आज का काम आज ही पे खत्म करना है। That will help us to make our habits great and make us successful in life. ठीक है children? So on this, मैम तो सारा होमवर्क जब भी करते हैं जब वो आता है। क्या बेटा? मैम तो सारा होमवर्क तभी करते हैं जब वो आ जाता है, हम बिल्कुल डिले नहीं करता हूँ। बहुत बढ़िया बात है। अगर ऐसे डिले नहीं करोगे होमवर्क करना, तो ऑब्वियसली क्या होगा एग्जाम टाइम में सभी डेट वाइज, कुछ डेट वाइज होगा, जिसने छोड़ा तो क्या होगा डेट होगा, फिर नेक्स्ट टाइम का कहाँ गया, यहाँ तो करा ही नहीं है, ये ब्लैंक पेज क्यों है, ये 2-2 पेजेस क्यों छोड़ा है मैंने, ओ एब्सेंट नहीं कराए, बाद में करूंगी सोचा और करा ही नहीं, सो प्रॉब्लम हो जाती है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन अ प्रॉपर हैबिट, बिकॉज योर हैबिट्स विल मेक यू सक्सेसफुल इन लाइफ। सो ऑन दिस नोट वी हैव कम टू द एंड ऑफ टुडेस वर्कशॉप। In the next class, what I want all my favorite children to do is I want all of you to tell me what is your hobby? आपका हॉबी क्या है? और 1-2 चीजें अगर हॉबी में ड्राइंग करना पसंद है, जो भी करते हो उसका छोटे छोटे चीजें मुझे दिखाना है नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ओके मैम। और पर इंग्लिश में बोलना है जो भी बोलना है, बिकॉज इंग्लिश इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। बाकी भाषा भी इम्पोर्टेंट है, पर language which is acceptable all over the world is English. So very, very important we start speaking in English. Got it everyone? Okay ma'am. Okay. All right. Yes ma'am. And next time I'll choose one person. Who should I choose? Archika. Archika Chaudhry, are you there? Archika, are you there? Yes ma'am. अर्चिका तुम्हारा नेक्स्ट वीक का काम होमवर्क दे रही हूँ मैं तुम्हें। यू विल टेल अ स्टोरी टू ऑल ऑफ अस, बहुत लंबा मत करना, स्टोरी को 3 मिनट तक खत्म कर देना. सो आई वॉन्ट यू टू टेल मी एंड द रेस्ट ऑफ द क्लास अ ब्यूटिफुल स्टोरी. ओके अर्चिका? ओके मैम. ओके, और इंग्लिश में बोलना है, इंग्लिश हिंदी मिक्स करके बोल सकते हो. ठीक है अर्चिका? ओके मैम, बट इन विच टॉपिक? एनी टॉपिक. यू कैन टेल मी योर फेवरेट स्टोरी जो तुम्हें बहुत पसंद है. Okay, ma'am. All right. So take care, everyone. Bye. God bless you. Bye. 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 Bye.